देश दुनिया में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में कई कीमती जानें चली गईं और अधिकतर लोग कोविड के कारण शरीर में ऑक्सीजन की कमी के शिकार हुए। इस विपदा काल ने एक बार फिर इंसानों को मजबूर कर दिया कि विकास की अंधी दौड़ कहीं विनाश का कारण तो नहीं बन रही। असलियत समझ आते ही अब लोग पेड़ पौधों की अहमियत को समझने लगे हैं। कोडरमा में भी अब लोग प्रकृति के काफी करीब आ रहे हैं और अलग अलग नर्सरी से ऑक्सीजन प्लांट की खरीदारी कर उसे खाली पड़े भूभाग में लगा रहे हैं। विश्व पर्यावरण के दिवस के शुभ अवसर पर पांच पौधा कम से कम घर में लगाए। आज हम कम से कम 30-35 पेड़ लगाने जा रहे हैं और लोगों को भी बोलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधा रोपण करें, जिससे कि आने वाला दिन में ऑक्सीजन की कमी लोगों को न हो और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, अच्छा रहे। कोडरमा के एक नर्सरी संचालक ने बताया कि विभिन्न संगठनों के अलावे व्यक्तिगत रूप से भी लोग फलदार छायादार वृक्षों के साथ साथ 2400 घंटे मानव जीवन के लिए ऑक्सीजन देने वाले पौधों की खरीदारी है। कि आज पर्यावरण के दिवस पे बहुत सारे सरकारी जो संगठन है वो सब प्लांट ले गए हैं, बाकी कुछ बहुत सारे लोग आए नर्सरी में प्लांट लेने के लिए और खास करके ऑक्सीजन वाला प्लांट, एरिका पाम, स्नेक प्लांट, ये सब ऑक्सीजन 24 घंटा देते हैं, इंडोर प्लांट है। और आम अमरूद, लीची, अनार, चीकू, ये सब प्लांट आज लगाया गया और बहुत ज़्यादा काफ़ी लोग आज प्लांट ले गए हैं और ऑक्सीजन के लिए, कि ऑक्सीजन की कमी ना हो इसी कारण से सब प्लांट लगा रहे हैं। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए जहां धरती पर पेड़ पौधों का होना बेहद ज़रूरी है, वहीं इसका दूसरा लाभ मुफ्त और निर्बाध ऑक्सीजन सप्लाई भी है, जो इस कोरोना काल में हम इंसानों को खरीद कर भी लेनी पड़ी है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट।